मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। तो वो बहुत घमंडीय थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुटिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। अपने बयानों से अपनी ही सरकार को हलकान कर देने वाले सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार के ऊपर एक और बड़ा बम फोड़ा है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस बार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, उन्हें घमंडी बताया है। मलिक ने हरियाणा के दादरी में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों के बीच कहा कि जब मैं किसान आंदोलन के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। मलिक ने कहा कि वो बहुत घमंड में थे, वो घमंड में चूर थे। मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर चुके हैं और आप अब भी चुप हैं। ऐसे तो कुतिया भी मरती है तो आप चिट्ठी भेजते हो, लेकिन 500 किसानों के मरने पर मोदी जी चुप क्यों हैं? इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे लिए मरे हैं क्या? मलिक के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वो आपके लिए ही तो मरे थे, उनकी वजह से वजीरे आजम बने हुए हैं आप, और थोड़ी देर में मेरा उनसे झगड़ा हो गया। अपने बयानों से केंद्र और बीजेपी की सरकार को हलकान करते रहे सत्यपाल मलिक के मुताबिक। इसके बाद मोदी ने कहा कि तुम अमित शाह से मिलो, तो इसके बाद मलिक अमित शाह से मिलने गए। जब उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई तो शाह ने कहा कि इसकी अकल यानी कि मोदी जी की अकल लोगों ने मार रखी है, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो। मलिक का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान ने काफी ज्यादा हलचल मचा दी है। आप भी सुनिए इस बारे पूरे बयान को। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सरकार इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी से अपनी मुलाकात की एक हैरान करने वाली घटना बताई कि जब वो अमित शाह से मिले तो अमित शाह ने सत्यपाल मलिक को कहा कि मोदी जी की अकल लोगों ने मार रखी है, तुम बेफिक्र रहो और मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ जाएगा। ये बहुत बड़ा बयान है सत्यपाल मलिक के तरफ से अमित शाह को लेकर के। शाह ने मोदी को पागल कहा। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि किसानों के मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री से वो मिलने पहुंचे तो प्रधानमंत्री अहंकार में चूर थे। मलिक के मुताबिक 5 मिनट में दोनों नेताओं के बीच झगड़ा हो गया। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा हलचल मच गई है। मलिक का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन के दौरान लगातार कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहे हैं जिससे बीजेपी और मोदी सरकार की खासी किरकिरी हुई। बता दें आपको कि सत्यपाल मलिक विवादित कृषि कानूनों को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ कई बार बयान दे चुके हैं। कानून वापसी से पहले नवंबर में उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को अंत तक मानना ही होगा, वरना ये सरकार सत्ता में दोबारा नहीं आएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जब भी वो किसानों के मुद्दे पर बोलते हैं तो उन्हें कुछ हफ्ते के लिए आशंका होती है कि उन्हें तुरंत दिल्ली से फोन आएगा। मलिक ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि वो आंदोलनकारी किसानों की मांगों को मान ले, वरना इस सरकार का सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान सत्यपाल मलिक ने सरकार को आईना भी दिखाया था और कहा था कि बीजेपी का कोई नेता आज हालात ऐसे हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के किसी गांव में घुस नहीं सकता। सत्यपाल मलिक के इन बयानों ने बीजेपी की खूब किरकिरी करवाई थी और आज जो बयान दिया, इस बयान ने एक बार फिर से मोदी जी के साथ साथ शाह की मुश्किलें बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट द वीपीएन टीवी।